नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक अरोड़ और आप मुझे देख रहे हैं ग्रामीण आवाज पर। आज हमें बिहार दौरे पे और मेरे साथ हैं दीपक जी। और दीपक जी मैं बता दूं पहले आपको, ए टू जेड न्यूज जो बिहार का प्रसिद्ध वेब चैनल है उसके एडिटर भी है। दीपक जी का पहले तो जी बहुत बहुत स्वागत आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष की और नमस्कार। पहले तो मैं आपका थैंक्स बोलना चाहूंगा, आपने मुझे आप इन्वाइट किया आने के लिए और बिहार देखने का मौका दिया। एक्चुअली मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं बिहार आऊं और बिहार को एक्सप्लोर करूं, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बेहद शुक्रिया। और मेरा दीपक जी कुछ डाउट्स है, एक्चुअली कोई सवाल नहीं है मेरे आपसे कि मैं कुछ सवाल करूं, मेरे कुछ डाउट्स है बिहार को लेकर। हाँ वही मैं आपके पास आने वाला हूँ सवालों को लेकर कि मेरे को वो डाउट्स एक्चुअली क्लियर करने थे। और पहला एक मेरा सबसे बड़ा डाउट है कि बिहार को जो छवि रही है अभी तक वो रही एक दबंग टाइप की छवि, कि जो दिल्ली में हम लोग खबर सुनते हैं कि बिहार में वहां पे चोरी हो गई, डकैती हो गई, लालू राज में ये हुआ, नीतीश राज में ये हुआ, क्या बदलाव आया जो 2021 में हम पहुंच गए, क्या बदलाव तो आए हैं? और कुछ जो छवि दबंग की बात बोल रहे हैं इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी है और थोड़ी सी रियलिटी नहीं है ऐसा, मतलब कि बड़ा चढ़ा के उस चीज को वापस। हाँ जो घटनाएं तो होती हैं ऐसा गवर्नमेंट भी बिहार की सरकार कहती है, क्योंकि हम सरकार नहीं है, क्योंकि मीडिया पर्सन है, जितना क्राइम होना चाहिए उसको कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेट से हम कंपेरिजन करेंगे निश्चित रूप से हम कमतर हैं, लेकिन बशर्ते कि सही कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम उसको टैकल नहीं कर पा रही है, जो क्रिमिनल है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार के अंदर कुछ ऐसी कमियां रही हैं जो इस चीज को थोड़ा बढ़ावा मिले। और दूसरी कमी ये है कि हमारे मीडिया पर्सन में भी कमी है, जो हाउस है रियलिटी नहीं दिखा, क्राइम दिखाते क्या है आपके हिसाब से? क्या रियलिटी ये है कि जो क्राइम होती है सच्चाई है, लेकिन उस पर कार्रवाई होती है ये भी एक सच्चाई है। और क्राइम को ही दिखाना खबर नहीं होता है, गांवों की समस्याओं को दिखाना भी एक खबर होता है। मीडिया चैनल की बात 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 मैं गांवों के भी आगे करूंगा। मैं आपने जो सवाल कहा मेरे से कि गांव की सच्चाई दिखाना और दूसरी शब्द आपने ये यूज किए कि रियलिटी दिखाना, दोनों में बहुत जमीन है। मेरे कहने का सेंस है कि जस्ट लाइक कहीं घटनाएं हुई, मीडिया चैनल क्या दिखाता है? क्राइम, घटना, एक्सीडेंट, तो इसके आगे और पीछे की कहानी, क्यों हुआ एक्सीडेंट, क्यों हुआ क्राइम, इसके फॉलोअप पर हम बिल्कुल फॉलोअप आपके कहने के अनुसार है कि यहाँ की मीडिया फॉलोअप नहीं करता। और दूसरा जो सरकार का सिस्टम है, बहुत सारे मामलों में बिहार के जो गवर्नमेंट में जो सिस्टम पर बैठे हुए मंत्री हैं उनका नजर नहीं जाता है, लाइटली नजर जा रहा है, सीरियसली नहीं मंत्रियों का नजर नहीं जा रहा है या जो यहाँ पे अफसर काम कर रहे हैं, मैं उनको पर्टिकुलर शब्द यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो अफसर काम कर रहे हैं उनका नजर नहीं चाहिए। आपका कहना सही है, अफसर तभी, ये अफसर तो हमारे हैंड है गवर्नमेंट में, जो हम सिस्टम में बैठे हुए मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो ब्रेन हुआ, ब्रेन अगर आदेश करे तो हैंड तो काम करेगा, सिस्टम इतना गलत नहीं हो सकता, कमांडिंग बेस्ट होना चाहिए। आपको याद होगा कि केजे राव अकेले शख्स आए थे बिहार में चुनाव कराने, केजे राव का नाम सुनते ही हरकंप मच जाता था, केजे राव कोई सभी लोगों से अकेला नहीं लड़ सकता, एक नाम था ईमानदारी का, ईमानदारी से काम करने। मतलब आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है, उसको कम करने की जरूरत है और कार्रवाई करने की जरूरत है, कार्रवाई हमें कार्रवाई दिखाना होगा और मीडिया आपके हिसाब से कार्रवाई पर जाना। आप नहीं, मैं मीडिया की बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आप मीडिया को भूल जाइए, मैं जनरली आपसे बात करूँ कि आपके हिसाब से कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई होती है जो दिखती नहीं, कार्रवाई जो होती है उसमें कमियां हैं, जो होनी चाहिए वो नहीं होती, वो फॉर्मेलिटी नहीं रियलिटी में आना चाहिए। मतलब वही की फॉर्मेलिटी नहीं है तो हम पर कार्रवाई हो, जो लोग गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, पब्लिक को ये भी दिखना चाहिए कि हाँ उन्होंने गलत किया सजा मिला। और हमको लगता है कि अगर लोग गलत हैं, सिस्टम में गलत लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे बेरोजगारों की संख्या बिहार में बहुत सारे लोग हैं, नौजवानों को जगह मिलनी चाहिए काम करने। मैं इसी मुद्दे पे आने वाला था, आपने नौजवानों की बात की, बेरोजगारों की बात की, अगर मैं बात करूँ बेरोजगारों की तो बहुत सारी योजनाएं जो बेरोजगारों के लिए चल रही है, जिसमें से कुछ बैंक भी आजकल स्टार्टअप के लिए फंड्स दे रहे हैं, और मैं कुछ पर्सनली लोगों को जानता भी हूँ जो फंड्स लेके आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने एमएनसी अपनी रजिस्टर करा ली। क्या कहना चाहेंगे हमारे जो यूथ जो हमें समय देख रहा है, ग्रामीण आवाज़ देख रहा है आपको, उनके लिए क्या संदेश? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि बिहार में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, लेकिन उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो योजनाएं हैं, बैंक के थ्रू जो लोन प्रोवाइड करने की बात हो रही है, रियलिटी में अगर आप एक अभ्यर्थी बन के अप्लाई कर दें और उसकी रियलिटी खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा। और दूसरी जो बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग लोन लेके अच्छा उद्योग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सक्सेस लोग हैं, अनसक्सेस
को कुछ मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो जो कैपिटल टाइप के लोग हैं, अलग अलग कास्टिज्म, अलग अलग एरियाज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग बस। आपने अभी कास्टिज्म की बात करी, तो क्या लगता है आपको, अभी भी 2000 हमने 20 अभी क्रॉस किया, 2021 में हम पहुंचे, और अभी भी है जातिवाद? कोई ऐसा चुनाव हुआ नहीं जिसमें जातिवाद चलाने। क्या बात कही आपने, यानी कि देखिए दर्शकों, दीपक जी का कहना है कि आज भी बिहार के अंदर जातिवाद चरम पर है। बिहार ही नहीं, मेरे हिसाब से यूपी हो, महाराष्ट्र, कहीं भी हो, काफी राजनीतिक दल आजकल मैं देख रहा हूँ जो बिहार, सीधे शब्दों में ये कहूंगा कि अगर जातिवाद को हटाना है, भ्रष्टाचार को हटाना है, तो शुरुआत वहां से करना चाहिए, जो जो किसी भी विभाग के जो शीर्ष अधिकारी या जो मिनिस्टर हैं वहां से शुरुआत करें। जैसे कोरोना वायरस को लेकर वैक्सीन की बात आप करें, अब देख लीजिए सारी जगह जो है सो डॉक्टर्स को वैक्सीन दिए जा रहे हैं, जो वृद्ध हैं हमारे इलाके में उनको दिए जा रहे हैं। कभी आपने सुना कि किसी मिनिस्टर ने बजाते इसकी शुरुआत कर दी? कहीं आपने देखा कि कोई मिनिस्टर जो है सुई लेते हुए हमारे सामने वीडियो वायरल कर रहे हैं, फोटो वायरल कर रहे हैं? हमारे आइकन है अगर नेता, तो हम उन्हीं से शुरुआत क्यों नहीं करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर, मेरा अगला सवाल बिहार के लिए मेरा ये, आपसे भी मेरे को छोटी सी बात, मुझे सवाल नहीं है, छोटी सी बात मुझे जाननी है कि अभी हम जिस जगह पे हैं वो बिहार का दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, और अभी जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर भी देखे, हमने समस्तीपुर भी देखा है, तो यहाँ पे हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा इशू है। मैंने काफी लोगों से बात की जिन्होंने बताया कि उनके पास स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ पे बहुत कमी, तो सरकार का ध्यान क्यों नहीं हो? ध्यान नहीं जाने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, उनका कोई इंटरनल कुछ ये प्लान होगा या कुछ भी है, लेकिन प्लान क्या मतलब ध्यान में वही सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वही चीज रियलिटी है। मैं वही चीज आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार का ऐसा कौन सा प्लान है, आपने जैसे कहा प्लान होगा, ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे? नहीं, ध्यान देने का कुछ कारण सिस्टम में करप्शन, पहले पहले आपने सिस्टम में करप्शन, आप मानते हैं चाहे वो हेल्थ हो या कोई और योजना की बात हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें आप, या एजुकेशन की बात करें, या सड़कों की बात करें, हमको तो लगता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क को सुधार लिया जाए तो किसी भी इलाके को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आपका जो फॉर्मूला है बिहार को विकास करने का, दीपक जी ने बताया कि वो ट्रिपल एस है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। और इसके अलावा मैं बात करूं, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, जैसे आपने बताया कि हेल्थ में तो हमारे यहाँ बिहार में इश्यूज हैं, लेकिन अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, बिहार में आपको बताओ कि जितने भी ज्यादा टॉप मोस्ट हमारे यहाँ जितने भी लीडर्स के अधिकारी हैं, मैं कहता हूँ 90% बिहार से निकले, बाद भी एजुकेशन का इतना बुरा हाल मैंने देखा है कि क्या कहें। हम तो बोलेंगे कि हम तो तीनों पर देख रहे हैं कि जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, भवने बड़ी बनी है। मैं आईएएस ऑफिसर की बात करूं, आईएएस आईपीएस बिहार के सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आप दिल्ली जाएंगे, जितने भी बड़े नेता हैं, उन सबके अधिकारी हैं, जितने भी टॉप मंत्रालय हैं, जो प्रतिभाएं हैं बिहार की, जो प्रतिभाएं हैं उसको बिहार में उचित जगह, उचित मान सम्मान, उचित पैसे नहीं मिल पा रहे उसके परिश्रम का, इसी वजह से दूसरे राज्यों की तरफ, देशों की तरफ उनका झुकाव होता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। मतलब ये ऐसे शादी हो गई, अगर भविष्य में आपके बच्चे जो हैं बड़े होंगे आगे, और क्या उन्हें आप सरकारी स्कूल में डालना चाहेंगे? जो सिचुएशन है, अगर हम डालना भी चाहते हैं तो मेरा समाज जो है सो एवॉइड करता है, लगता है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें समाज एक बाधक बन रहा है। हाँ, रियलिटी भी है कि पढ़ाई की व्यवस्था उचित नहीं है। रिजर्वेशन से जब पदाधिकारी चुन के आएंगे तो हम क्वालिटी की क्या बात? देखिए, कुछ दिन पहले एक मांग उठी थी कि जितने भी सरकारी अधिकारी हो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए तब वो उनको नौकरी मिले, या फिर जितने भी नए चयन करता है आने की बात आई थी, रियलिटी कहाँ है? किसी भी डीएम और किसी भी एसपी, किसी भी बीडीओ, किसी भी सीओ, और यहाँ तक कि जो अपने सांसद और विधायक हैं उनके बेटे बेटियों का भी आप सर्वे करा के देख लीजिए कि सरकारी स्कूलों में कौन से लोग पढ़ा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा जिस क्षेत्र में हम लोग हैं वहां भी मैं देख रहा हूं काफी हद तक प्रॉब्लम्स है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि जिस तरीके से अगर ये दिखाई, कितना खूबसूरत नजारा है, ये खूबसूरत एक दृश्य आपको दिख रहा है, तो बिहार में मुझे भी लगता है कि उन्नति बहुत है और विकास की संभावना है। मैं चाहूंगा गवर्नमेंट से एक आग्रह करूंगा, एक अपील करूंगा ग्रामीण आवाज के माध्यम से कि इस तरफ भी ध्यान दे, लोगों की तरफ ध्यान दे, केवल चुनावों के समय ही अपील नेता लोग ना आए, क्योंकि अधिकतर लोगों ने ये शिकायत दर्ज करी है। मैं वापस जाता हूँ दीपक जी के पास कि अधिकतर लोगों की ये शिकायत रही है कि नेता आते हैं चुनावों के समय, फिर उसके बाद उनके दर्शन। जनरली हमको तो लगता है कि बिहार के अंदर जब आप इन करते हैं तो शहर हो या देहात का एरिया हो, गांव का एरिया हो, करीब 70-80% लोग ये शिकायत आपको करेंगे कि नेताजी जब चुन के जाते हैं तो फिर वापस नहीं उनकी बात लेते हैं, उनकी सुधि नहीं लेते। और मेरा मानना है कि
कि तमाम जो इच्छाएं तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की उसका 50% भी अनुपालन कर दिया जाए तो कल्पना करिए कि हम वो करके दिखाएंगे जो दुनिया में एक अलग पहचान बिहार की बन सके। बिल्कुल, मेरी यही उम्मीद भी है और यही कामना भी है कि भगवान से कि आपकी जो पहचान एक बिहार की पहचान अलग बने, और जो अभी तक एक क्षेत्र ऐसा है कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, जातिवाद क्षेत्र में गिना जाता है बिहार को, वो बेहतर हो। कल की तरक्की के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं विवेक अरोड़ा ग्रामीण आवाज के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं ग्रामीण आवाज पर। आज हमें बिहार दौरे पे और मेरे साथ हैं दीपक जी। और दीपक जी मैं बता दूं पहले आपको, ए टू जेड न्यूज जो बिहार का प्रसिद्ध वेब चैनल है उसके एडिटर भी है। दीपक जी का पहले तो जी बहुत बहुत स्वागत आपके, तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की और नमस्कार। पहले तो मैं आपका थैंक्स बोलना चाहूंगा आपने मुझे आप इनवाइट किया आने के लिए और बिहार देखने का मौका दिया। एक्चुअली मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं बिहार आऊं और बिहार को एक्सप्लोर करूं, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बेहद शुक्रिया। और मेरा दीपक जी कुछ डाउट्स है, एक्चुअली कोई सवाल नहीं है मेरे आपसे कि मैं कुछ सवाल करूं, मेरे कुछ डाउट्स है बिहार को लेकर। हाँ वही मैं आपके पास आने वाला हूँ उस सवाल को लेकर कि मेरे को वो डाउट्स एक्चुअली क्लियर करने थे। और पहला एक मेरा सबसे बड़ा डाउट है कि बिहार को जो छवि रही है अभी तक वो रही एक दबंग टाइप की छवि, कि जो दिल्ली में हम लोग खबर सुनते हैं कि बिहार में वहां पे चोरी हो गई, डकैती हो गई, लालू राज में ये हुआ, नीतीश राज में ये हुआ, क्या बदलाव आया जो 2021 में हम पहुंच गए, क्या बदलाव? बदलाव तो आए हैं और कुछ जो छवि दबंग की बात बोल रहे हैं इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी है और थोड़ी सी रियलिटी नहीं है। ऐसा मतलब कि बड़ा चढ़ा के उस चीज को वापस। हाँ जो घटनाएं तो होती हैं ऐसा गवर्नमेंट भी बिहार की सरकार कहती है, क्योंकि हम सरकार नहीं है क्योंकि मीडिया पर्सन है, जितना क्राइम होना चाहिए उसको कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेट से हम कंपेरिजन करेंगे निश्चित रूप से हम कमतर हैं, लेकिन बशर्ते कि सही कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम उसको टिकल नहीं कर पा रही है, जो क्रिमिनल है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार के अंदर कुछ ऐसी कमियां रही हैं जो इस चीज को थोड़ा बढ़ावा मिले। और दूसरी कमी ये है कि हमारे मीडिया पर्सन में भी कमी है, जो हाउस है रियलिटी नहीं दिखा। रियलिटी ये है कि जो क्राइम होती है सच्चाई है, लेकिन उस पर कार्रवाई होती है ये भी एक सच्चाई है, और क्राइम को ही दिखाना खबर नहीं होता है।